बस स्टॉप से चल चुके हैं और इसका मतलब ये है कि हमने वेस्टमिंस्टर सिटी और लंदन सेंटर एरिया छोड़ दिया है। अब हम ग्रेटर लंदन के नॉर्दर्न पार्ट में हैं, बार्नेट की तरफ जा रहे हैं और उसको क्रॉस करके फिर हम लेस्टर पहुंचेंगे, फिर लेस्टर से मैनचेस्टर पहुंचेंगे। चेंज भी आप देख सकते हैं, पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, अब आपको दो माले की मैक्सिमम बिल्डिंग्स दिख रही हैं और नीचे अंडरग्राउंड वाली बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही हैं, वो हवेलियाँ भी नहीं दिख रही हैं पुरानी। ये सारे मतलब एक सेंचुरी से ज़्यादा के पुराने घर नहीं हैं, मैक्सिमम वो 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी 5 सेंचुरी पुराने भी थे पहले जो बिल्डिंग्स थी बड़ी। तो ये डिफरेंस आ गया है, ये जैसे थोड़े गांव वाले और खुले स्पेसेस घर, और आपने नोटिस किया होगा इनके सामने की दीवारें भी छोटी हैं जो नॉर्मल घरों की होती हैं यहाँ पे, बाकी जो पॉश एरिया में है दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं भाई जी, कारें मारें लग्जरी महंगी होती हैं तो कोई चुरा ना ले। ये जो डिब्बे रखे होते हैं ऑरेंज येलो कलर के, वो इसलिए होते हैं कि किसी ने अपने घर का मतलब सामान वामान रिन्यू करवाया है तो वो फर्नीचर वगैरह उसमें रख देते हैं, फिर काउंसिल वाले आके उसको उठा के ले जाते हैं और उसका अलग से इनको पेमेंट करना होता है। ये नॉर्मल जो बिन होते हैं उसमें नहीं डालते क्योंकि बड़ी चीज़ें होती हैं, हो सकता है रिसाइकिल भी हो जाएँ कुछ चीज़ें, इसलिए। ये देखो गार्डन वगैरह जहाँ भी स्पेस मिलता है, इनका बेस्ट पार्ट गार्डन होता है, तो ट्राई करते हैं लोग जितना हो सके। अगर ये देखो इसमें तो इतनी गाड़ियाँ हैं इनके, तो गार्डन की फिर भी इन्होंने जगह निकाल ली है, इधर इन्होंने गाड़ी कम है तो अपनी गार्डन बना लिया है। मोस्टली ट्राई होता है कि गार्डन बनाया जाए, अपनी कुल्फी वाली दुकानें ला के खड़ी कर रखी हैं। अब डिपेंड करता है कोई ऊंची दीवारें रखे कोई छोटी रखे, बट पॉश एरिया में ज़्यादा ऊंची दीवारें मिलेंगी और नॉर्मल एरिया में कम ऊंची दीवारें आपको मिलेंगी। बाकी तो कोई भी कितना भी रख सकता है, अपने अपने इम्पैक्ट, अपना अपना प्राइवेसी थॉट सब कुछ है। ये हाई रोड के मकान है, हाई रोड पर चल रहे हैं। ये के पीछे ये जो पेड़ों की दीवार है इसके पीछे ग्रीन हाउस बना हुआ है भाई, और ये ऐसे ना छोटे छोटे एरिया किराए पे मिलते हैं, तो जैसे मैनचेस्टर की तरफ तो 1700 पाउंड में आधा बीघा एरिया ऐसे मिल जाता है उसको साल भर के लिए लीज पर। आप वहाँ सब्जियाँ उगाओ बेचो खाओ जो भी करना है करो। ये देखो ये टेस्को है, इसकी पार्किंग है, पेट्रोल पंप है सब। ये काफ़ी बड़ा शॉपिंग एरिया है नॉर्थ लंदन का, यहाँ से सड़क जाती है वाटफोर्ड की तरफ और ये स्टॉप से बसें जाती हैं लुटन एयरपोर्ट की तरफ। ये ब्रेंट क्रॉस सेंटर है, ब्रेंट क्रॉस में बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है नॉर्थ लंदन का, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड सब। ये देखो ये इतनी सारी दुकानें हैं इधर, और ये जो वाटफोर्ड एरिया है इधर काफ़ी राजस्थानी रहते हैं। ये भाई नीचे हमारे चल रही है रेलवे लाइन, अब उस साइड चलेगी, और ये हैं खेत खलियान यहाँ के। अब हम आ गए हैं ग्रेटर लंदन से भी बाहर मोटरवे पर, हाईवे पर।